गड़ानी में भी शिक्षक संघ के सभी सदस्यों ने सरकार के विरोध में जमकर अपने आवाज को बुलंद किया और कहा कि सरकार जब तक इनकी बातों को, इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि विगत 17 फरवरी से ही शिक्षकों ने समान काम की समान वेतन मान की मांग को लेकर यह हड़ताल जारी रखा है। जो भी पैसा देता है ये शिक्षा के नाम पर देता है, और इस प्रकार से नीतीश कुमार भी जान गए हैं कि ये जो हाई पॉइंट मेरा राजनीति का जो वोट बैंक में शिक्षकों का पैसा से शिक्षकों पर खेल रहा था, अब शिक्षक समझ गए हैं और ये हमारा वोट बैंक जो है ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। अभिभावक भी समझ गए हैं कि हमारे बच्चों को खिचड़ी और साइकिल नहीं चाहिए, हम खुद सच में हो जाएंगे यदि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा इंसान बन जाए। किसी भी व्यक्ति का परिवार दूसरे के पैसे पर नहीं चल सकता है। हम कह रहे हैं किसी का हम गए घर किसी को 500,000 रुपए न्योता दे देंगे तो शादी का परियोजना हो जाएगा? नहीं, उसका कार्य योजना उसको खुद संभाल कर चलना पड़ेगा। उसी प्रकार अभिभावक भी होते हैं, क्या खिचड़ी एक टाइम खिला देने से उसके बच्चे का लालन पालन हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए उसको अपना कार्य योजना तैयार करना पड़ता है। मगर नीतीश कुमार जी जो है वो सारे अभिभावकों को ये माइंड को जो है कि घुमा दिए हैं कि आप लोग के बच्चों को मैं भोजन देता हूँ, साइकिल देता हूँ और छात्रवृत्ति देता हूँ, आप लोग बच्चों को स्कूल भेजिए। और जो है कि हमारे विद्यालय में जो पहले इतना परसेंट लड़के नहीं थे, अब इतना परसेंट आने लगे हैं, अब एक भी परसेंट बाहर नहीं है, इस प्रकार का हम स्कीम दिखलाने लगे हैं, तो ये जो है कि सरासर गलत बात है। मान लीजिए कि विद्यालय में अगर 1% भी बच्चे नहीं है लेकिन वहाँ पर शिक्षा भी कितना है, अब शिक्षा कितना परसेंट बना है? पहले जो था कि बच्चे जितना देर क्लास में रहते थे तो पढ़ाई पर ध्यान रहता, अब जितना देर क्लास में रहते हैं बच्चे खिचड़ी पर ध्यान रहता है, साइकिल छात्रवृत्ति यही सब पर केवल बच्चे और गार्जियन सिमट कर रहते हैं, उनका शिक्षा से मतलब ही नहीं रहता। जो भी गांव में अगर तेज दरार गार्जियन है, थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है, वो सीधे प्राइवेट में नाम लिखवा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि मेरा बच्चों का भविष्य इसमें सिमट कर रह जाएगा। कहने का अर्थ ये है मेरा कि नीतीश कुमार ये जान रहे हैं फिर भी वो एक काम कर रहे हैं वोट बैंक के राजनीति के लिए। और हमारे गांव के जो एक प्रकार से कहें तो जिनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि विद्यालय का विकास किस लिए किया गया था, विद्यालय का निर्माण किस लिए किया था, वही लोग व्यक्ति कहते हैं कि अब की दुकान होती और उसमें हमारी पहचान होती, भर देते आपकी झोली खुशियों से, भले ही इसकी कीमत हमारी जान होती। बोल्ड बोल्ड बोल्ड। शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, जिंदाबाद। जय शिक्षक संघ, जय शिक्षक। बहुत अच्छा विष्णु शंकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्रांतिकारी वक्तव्यों से हमने हटेंगे नहीं, चाहे हम चले जाए जान से, चाहे चले जाए जान से। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मंच पे सुभायमान उस शख्स को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जाने पहचाने हमारे बीच के वही सबको जीरोजीत कहते हैं, लेकिन हम इनको जीरोजीत कहते हैं जो हमारे सभी के चेहरों में बसते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं।